हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बिना किसी सेफ्टी पिन के इस्तेमाल किए कॉटन साड़ी को ड्रेप करना। वीडियो थोड़ी सी मजेदार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आज की साड़ी आपको पसंद आती है तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब कॉटन की साड़ी मार्केट में दो तरीके की मिलती है, एक स्टार्च वाली, एक बिना स्टार्च वाली। मेरे पास जो साड़ी है वो काफ़ी सॉफ्ट कॉटन है और इसमें कोई स्टार्च नहीं है। जिनकी भी कॉटन की साड़ी स्टार्च वाली होती है उनको साड़ी को पहले धोना होता है, पूरी स्टार्च निकाल देनी होती है, उसके बाद ही आप उसको ड्रेप कर सकते हो। तो आप ही लोग बोलते हो कि कोई पुरानी साड़ी पे नहीं बल्कि नई कॉटन की साड़ी पे ड्रेपिंग आप हमें सिखलाइए। तो ये बिल्कुल नई कॉटन की साड़ी है और सबसे पहले तो जब भी हम साड़ी खोलते हैं तो साड़ी का जो हमारा पल्लू वाला हिस्सा होता है आप उसको अपने लेफ्ट हैंड की तरफ कर दीजिए। तो साड़ी का ये जो दूसरा हिस्सा है आप देख सकते हो क्लियरली, इसमें से अभी मैंने ब्लाउज पीस को डिटैच नहीं किया है। तो ब्लाउज पीस डिटैच करने के बाद ही हम इसको ड्रेप करना शुरू करेंगे। बट ड्रेपिंग से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपको स्लीपर्स पहन ले होंगे पहले। अगर आप हील्स पहनना प्रेफर करती हैं तो आपको हील्स पहन लेना है। पेटीकोट की डोरी आप अपनी राइट हैंड की तरफ बांध लीजिए। अगर पेटीकोट आपके कमर की साइज़ की है तो काफ़ी बेस्ट है, अगर कमर की साइज़ की नहीं है तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको आप पीछे की तरफ कर दीजिए। चलिए अब जो साड़ी का ये हिस्सा है हमें यहाँ से टक करना शुरू करना है। साड़ी की जो लंबाई है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर आपकी हाइट 6 फिट भी है तो आप आसानी से साड़ी को पहन सकते हो। चलिए अभी हमें तो सबसे पहले नीचे की तरफ लेंथ देखना है कि साड़ी की लेंथ कितनी रखनी है। अब इसके बाद राइट हैंड की तरफ से ही जहाँ पे हमने पेटीकोट की जो डोरी बांधी थी उस साइड से ही हम इसको टक करना शुरू करेंगे। तो देखिए कॉटन की साड़ी में ना अधिकतर ऐसा होता है कि जो हम पार्ट इसका अंदर की तरफ टक करते हैं वो पेट के पास जाकर फूला फूला सा दिखता है, तो ऐसा ना दिखे इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जो अंदर की तरफ पार्ट जा रहा है साड़ी का उसको आप अच्छी तरीके से प्लेन कर दीजिए। चलिए अब इसी तरीके से नीचे की तरफ लेंथ को हमें बिल्कुल इक्वल रखना है और एक राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो इसके बाद कोई भी स्टेप आगे करने से पहले आप ये श्योर हो जाएं कि आपकी जो एक राउंड कंप्लीट हुई है वो ठीक से हुई है भी या नहीं। अगर ये थोड़ी सी भी मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है आपसे तो आप कॉटन की साड़ी में फूले फूले से दिखते हो। तो मैं तो यहाँ पे श्योर हो चुकी हूँ कि मेरी जो कॉटन की साड़ी की जो बेसिक राउंड है वो अच्छे से डन हो गई है। अब इसके बाद हमें ऊपर की बॉर्डर को पकड़ते हुए जाना है साड़ी की पल्लू की तरफ। अब पल्लू को प्लेट्स में बनाना है। तो जिनको भी लगता है कि प्लेट्स बनाना कॉटन की साड़ी में मुश्किल होता है वो यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पल्लू की जो दो बॉर्डर्स हैं उनको आप अपनी दोनों हाथों में पकड़ लीजिए, एक लेफ्ट एक राइट। अब आप दोनों हाथों को ज़ोर ज़ोर से ऐसे झटकिए और साड़ी की जो सरफेस है उसको क्लीन कर लीजिए। अब इसके बाद आप अपनी राइट हैंड की साइड पे जो आपकी बॉर्डर है उसी तरफ से प्लेट बनाना शुरू कीजिए। पहले तो बॉर्डर के ऊपर आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे सेट कीजिए और उसके बाद इसको जिगजैग मूव करते हुए आप थोड़ा सा ज़्यादा झटका देते हुए इसको प्लेट में अरेंज करने की कोशिश कीजिए। देखिए कॉटन की साड़ियाँ क्या होती हैं ना कि अगर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते हुए बनाएंगे तो ये उतनी ही ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, तो इसीलिए कॉटन की साड़ियाँ हैं झटपट पहनने वाली। आप थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश कीजिए, आपसे भी हो सकती है। देखिए ये जो टेक्निक है मैं आप लोगों को इसीलिए सिखा रही हूँ और ज़ोर दे रही हूँ इस पर स्पेशली कॉटन की साड़ी पहनते वक्त, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि ऊपर से नीचे तक जितनी दूर तक आप पल्लू को झटका दिए थे उतनी दूर तक एक लंबी लाइंस बन जाती हैं प्लेटों की और आपको बार बार प्लेट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब हमें एक प्लेट पकड़ने के बाद अगला कौन सा प्लेट पकड़ना होगा, तो ये चीज़ होती है। अब ऊपर की तरफ तो मैंने एक साड़ी पिन लगा दी है वो भी केवल कुछ टाइम के लिए ताकि वहाँ पे एक पकड़ रहे। अब इसके बाद जो भी प्लेट यहाँ पे दिख रही हैं उनको केवल हमें कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद हमें इनको हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस इसलिए करना है क्योंकि हम यहाँ पे आयरन यूज़ नहीं कर रहे हैं और हमें हर एक प्लेट्स परफेक्ट भी चाहिए। तो ये लीजिए, केवल हमें इसको टाइट पकड़ के
इधर से उधर कर देना है। यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से सारे के सारे प्लेट्स अरेंज हो गई हैं और हाथों से केवल हमें प्रेस कर देना है। तो स्टार्टिंग में बस आप अंदाजन यहाँ पे जितनी दूर तक प्लेट्स अरेंज करना चाहो आप कर सकते हो, और इसके बाद आपको लगा देना है एक क्लिप। तो यहाँ पे मैं क्लिप जो जिसकी बात कर रही हूँ वो कोई ऐसी नॉर्मल क्लिप नहीं है, साड़ी क्लिप है। इसकी शेप जो रहती है वो एक्स टाइप से रहती है और केवल इसका जो कैची टाइप का खुला हुआ मुंह रहता है इस साइड हमें प्लेट्स रखनी पड़ती है और पीछे की साइड से हमें पुश करनी होती है इस क्लिप को, और लीजिए हमारा जो प्लेट होता है वो सिक्योर हो जाता है। तो अब इसके बाद हम अपनी प्लेट्स को पीछे की साइड से घुमाकर लेफ्ट साइड के शोल्डर पे डाल देंगे और यहाँ पे मेज़र करेंगे हम अपनी पल्लू की लंबाई। तो अगर आपकी हाइट छोटी है तो कभी भी ये गलती ना करें कि आप अपनी पल्लू को छोटा रखें, कभी भी नहीं। पल्लू को आप लॉन्ग रखिए, इनफैक्ट आप अगर चाहो तो आप अपनी एड़ी से ऊपर तक अपनी पल्लू रख सकते हो। अब इसके बाद ये जो क्लिप मैंने आपको दिखाया था इस क्लिप को अब मैं अपनी प्लेट और अपनी ब्लाउज दोनों को साथ में लेते हुए सिक्योर कर दूंगी। अब इसके बाद जिनको भी अपनी ब्लाउज के पास प्लेट्स बिल्कुल परफेक्ट चाहिए वो कुछ दूर तक अपनी साड़ी की लेंथ को प्लेट्स में बनाए रखिए, और इसी तरीके से आपको क्या करना है हाथों से प्रेस कर देना है और जो बॉर्डर आपकी चेस्ट को छूते हुए जाती है उसको आपको घुमाना है थोड़ा सा ही फैलाते हुए। यहाँ पे देखिए बस हल्का सा लीजिए और इसको फैला लीजिए। अभी ये नहीं देखना है कि आप हेल्दी हो या पतले हो, ये नहीं देखना है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये हेल्दी और पतले दुबले सभी लोगों के लिए है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप तो हेल्दी हो या फिर आप तो पतले हो तो आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वह आप सभी के लिए है। अब देखिए कमर के पास थोड़ा सा हिस्सा को छोड़ते हुए हम अपने हाथों को यहाँ पे भी सेट करेंगे, और सेम मैं अपनी राइट हैंड को ही सेट की हूँ, और यहाँ पे प्लेट्स हम ऐसे बनाते चलेंगे। देखिए इस साइड से प्लेट्स बनाने का ना एक फ़ायदा ये होता है कि हर एक प्लेट्स के बीच में जो जिस गैप की हम बात करते हैं वो गैप अपने आप बनती चली आती है। हमें यहाँ पे कुछ भी अपने तरफ से गैप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए ये गैप खुद ब खुद हर एक प्लेट्स के बीच में आ जाती है, और ऐसा नहीं कि एक प्लेट के बीच में ज़्यादा गैप है तो दूसरे प्लेट के बीच में कुछ कम गैप है, बिल्कुल इक्वल्स रहती हैं ये गैप। और ये जो लास्ट राइट की तरफ से मैं प्लेट बनाऊंगी ये थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी रहेगी हर एक प्लेट की तुलना में, क्योंकि इस साइड से हमारी शेप भी बनती है और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो प्लेट बन रही है वो सभी प्लेट के मुकाबले एक सिमिलर अपनी पोजीशन ले ले। अब हमें क्या करना है कि सभी प्लेट को साथ में लेते हुए एक साड़ी क्लिप लगाना है। तो ये जो साड़ी क्लिप है हमारा परमानेंट साड़ी क्लिप है, इसको हम बाद में नहीं निकालेंगे। और अभी आप देखोगे ना ऊपर की तरफ हमारी प्लेटें तो बन गई हैं लेकिन साड़ी का जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा ठीक से नहीं बना है। तो उसको सेट करने के लिए हम ऊपर की तरफ से ही प्लेटें पकड़ते हुए चलेंगे, और देखिए हम क्या करेंगे कि साइड का जो हमारा राइट वाला प्लेट का हिस्सा होता है हमें बेसिक राउंड को भी ऊपर की तरफ उठाना होता है ताकि हर एक जो प्लेट है वो सही तरीके से पकड़ में आए नीचे तक। और इसके बाद थोड़ी थोड़ी दूरी तक पकड़ते हुए हम बिल्कुल नीचे बॉर्डर लाइंस तक जाएंगे ताकि ये जो बॉर्डर लाइंस हैं वो भी अच्छी तरीके से अपनी जगह पे आ जाएं। तो देखिए जिनको भी अगर झुकने में प्रॉब्लम होती है ना वो थोड़ी सी ऊंची चेयर पे बैठ जाइए, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा नीचा चेयर है तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये साइड वाला जो राइट वाला प्लेट होता है वो नीचे ज़्यादा झुकी हुई जो कुर्सी होती है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप थोड़ी सी ऊंची चेयर लीजिए, उस पर बैठिए आराम से और आप इसको सेट कीजिए। अब जब ये सेट हो ही चुका है तो आप अपनी बेसिक राउंड की जो लेंथ है
नीचे तक आपको कितना लेंथ चाहिए वो लेंथ देखते हुए आप इसको सेट कीजिए अपनी ये जो पेटीकोट की डोरी है उस डोरी तक, क्योंकि उसके ऊपर वाला हिस्सा आपको पता है कहाँ जाना है, वो तो उस डोरी के अंदर इन हो जाता है। तो अब ये जो ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा है इस एक्स्ट्रा पार्ट को हमें अंदर की तरफ इन कर देना है। अब हम अपने राइट की साइड से थोड़ा सा कपड़ा बाहर की तरफ निकाल देंगे ताकि हमने जो लेफ्ट की तरफ कपड़ा छोड़ा हुआ है उसका भी जुगाड़ हो जाए। तो हमें क्या करना है कि अपने लेफ्ट कमर के पार्ट को बिल्कुल क्लीन और एक अच्छा सा शेप देने के लिए हम अपने इस पार्ट को राइट की तरफ बाहर निकालेंगे प्लेट्स के नीचे से होते हुए। अब बाहर निकालना इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कैसे भी बाहर निकालना, आपको पता है ना कि कॉटन की साड़ी हमेशा शरीर से चिपकी हुई होती है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना होगा, धीरे धीरे से कपड़ा खींचना होगा और छोटे छोटे से प्लेट्स अगर बनते हैं तो वो भी बनाना होगा। अब आप देख रहे हो कि मैं इनको कितने अच्छे से सेट कर रही हूँ। ओके, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई, ये जो कमर के पास आपका बॉर्डर बन रहा है इसका भी ध्यान रखना है कि ये मुड़ना नहीं चाहिए। अगर बॉर्डर आपकी थोड़ी सी मुड़ रही है तो आप उसको कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर प्लेट्स आप डाल दीजिए। हो गई। अब इधर जो कपड़ा आया है इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा बहुत हमें इसको घुमाना है अंदर की तरफ टक कर देना है, क्योंकि वैसे भी कॉटन का जो फैब्रिक होता है वो बॉडी से हमेशा ही टच में होता है। तो यहाँ भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है इसको भी आप एडजस्ट कर दीजिए। नीचे की तरफ कोशिश कीजिएगा कि लेंथ आपकी गड़बड़ ना हो। अगर लेंथ आपकी ऊपर नीचे होती है तो आप अपनी बेसिक राउंड को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच सकते हो या फिर किसी की हेल्प ले सकते हो आप। और अब आप अपनी जो सामने वाली प्लेटें हैं उनको आप फैला लीजिए। यहाँ पे जितनी भी प्लेटें अंदर की तरफ दब रही हैं आप एक एक करके कोशिश कीजिए कि उस वो बाहर की तरफ अच्छी तरीके से नज़र आ जाए और अच्छी तरीके से उनको परफेक्शन मिले। सो गर्ल्स, अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हो तो मुझे यकीन है कि आप भी अपनी कॉटन की साड़ी को ऐसे ही परफेक्टली ड्रेप कर पाओगे। ओके, क्योंकि ये बिना सेफ्टी पिन की कॉटन की साड़ी ड्रेपिंग थी तो ये जो मैंने लगाया था इसको भी अब हम निकाल देते हैं। हालांकि आप इसके जगह कोई क्लचर का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि हमें केवल तो यहाँ पे ग्रिप ही चाहिए थी। सो आई होप माई डियर स्टूडेंट्स की आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप एक लाइक दे सकते हो और साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो ताकि मैं इनकरेज होकर ऐसी ऐसी वीडियोस और लेकर आ सकूं। तो अब मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल।